वी आर टॉकिंग अबाउट एरर एनालिसिस। ठीक है, तो जैसे हमने कहा है कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। उसके सिवा कुछ होने ही वाला नहीं है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट एवरी मेजरमेंट इज एसोसिएटेड विद सम अनसर्टेनिटी दिस अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद मेजरमेंट इज कॉल्ड एज एरर। इसको कहा जाएगा एरर। अब दो चीजें हम बार बार यूज करने वाले हैं या दो वर्ड हम बार बार यूज करने वाले हैं। इट इज अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। पहले लिखते हैं फिर इनको समझते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो कोई भी क्वांटिटी की आप मेजरमेंट कर रहे हो उसके ट्रू वैल्यू के पास आपकी मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू के कितने पास आपकी मेजर्ड वैल्यू है ये आपको एक्यूरेसी बताता है। ये एक्यूरेसी आपको बताती है। ठीक है, व्हाइल प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट और टू व्हाट डिटेल्स द क्वांटिटी इज मेजर्ड।
ठीक है। देखो तीन चीजें हमारे पास आ गई, कौन सी है, पार्ट वन है एरर। एरर का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एज एरर। दूसरा क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपको क्या कहती है या क्या इंफॉर्मेशन देती है एक्यूरेसी, तो जो कोई भी क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ ट्रू वैल्यू है, उसके कितने पास में, उसके कितने करीब हमने मेजर्ड की हुई वैल्यू है। और तीसरा वर्ड जो हमने यूज किया है, इट इज प्रिसीजन। कितने डिटेल में, कितने माइन्यूट लेवल पर जाकर आपने मेजरमेंट किया है। जैसे देखो, इसको समझना है तो बड़ा आसान है। एरर तो हमें ध्यान में आ गया, एक्यूरेसी मतलब क्या, तो जैसे किसी की हाइट है 1.67 सेंटीमीटर, सॉरी 1.67 मीटर, और आपने उसे मेजर किया 1.67 मीटर, दूसरे किसी ने इसे मेजर किया 1.69 मीटर। सो आप कहोगे, सर रीडिंग वन इज क्लोजर टू ट्रू वैल्यू, व्हाइल रीडिंग टू इज अवे फ्रॉम ट्रू वैल्यू। सो रीडिंग वन इज मोर एक्यूरेट व्हाइल रीडिंग टू इज लेस एक्यूरेट। ठीक है, प्रिसीजन क्या कहता है, कोई इसे ही मेजर कर सकता है 1.67 मीटर या एक्चुअल वैल्यू। एक ने इसे मेजर किया 1.7 मीटर, एक ने इसे मेजर किया 1.532 मीटर। ठीक है, अब देखो ये 532 जिसने मेजर किया है, इसने डेसिमल के बाद तीन प्लेसेस देखी है, सो इसका रीडिंग इज मोर डिटेल, दिस इज मोर प्रिसाइज। व्हाइल ऑन द कॉन्ट्ररी दिस 1.67, ये हमारे ट्रू वैल्यू के भले ही पास में आपको दिख रहा है पर इसमें डिटेलनेस नहीं है। ठीक है, अब इसका इंपैक्ट कहां पर आता है थोड़ा सा देखते हैं, जस्ट एक मिनट। आपके पास आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपीज है, ठीक है। सो इसे एक आदमी लिखता है 100 और एक आदमी लिखता है इसे 100.00। आप कभी पासबुक प्रिंट करोगे या ऑनलाइन लॉगिन करोगे तो यू विल ऑब्जर्व ये 0.00 दिखता है। कौन सा यूज करना चाहिए, सर? दोनों सेम ही है ना? दोनों सेम है, बिल्कुल। इसके इमीडिएट बाद कौन सी वैल्यू आने वाली है? 101. इसकी इमीडिएट बाद कौन सी वैल्यू आने वाली है? 100.01. अब देखो फर्क कहां पर पड़ता है, अगर मैंने ये ऊपर के पैसे छोड़ दिए, सो शायद से यहां पर 20 भी होंगे। अब ये 20 भी है तो ये आदमी 100 लिखने वाला है। अब जैसे ये जनधन योजना जो है, इसमें अगर 30 करोड़ अकाउंट ओपन हुए हैं, सही है क्या? हाँ,
अब 30 करोड़ अकाउंट में इस प्रकार के 0.2 रुपीस की गड़बड़ अगर हुई तो कितने रुपीस की गड़बड़ होगी? सिर्फ एक ट्रांजैक्शन किया जिसमें 20 पैसे की गड़बड़ है तो 60 लाख की गड़बड़ हो जाएगी। क्या सही है? क्या 6 करोड़ की गड़बड़ होगी एक्चुअली? ठीक है, ये 6 करोड़ की गड़बड़ होने वाली है। सो कैसा लिखना सही है, 100.00 या 100? जैसे जस्ट जस्ट एग्जाम्पल, वो आप चप्पल खरीदते हो वो 399.99 की होती है, पर बाटा कंपनी ऐसी 1 करोड़ चप्पल साल भर में बेचती है। एक्सक्यूज मी, सो 1 करोड़ चप्पल इंटू 0.01, सो इतने पैसे उनके पास वैसे ही चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। 1 लाख रुपए वैसे के वैसे चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करना है। क्या ध्यान में आ रहा है डिफरेंस? यस सर। सो दैट्स व्हाई समटाइम्स डिटेलनेस ऑफ मेजरमेंट इज वेरी 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 नेसेसरी। टिपिकली हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होते हैं, जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वहां पर तो ये माइन्यूट डिटेल्स कैलकुलेट करना ये बहुत जरूरी है। आपने शायद से मंगलयान देखी होगी या उरी भी देखी होगी, यस तो इन सभी जगह पर डिफेंस में यस या सर इस प्रकार से क्या हमारे स्पेस मिशंस में ये प्रिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन ये जो Formula 1 रेसिंग, MotoGP वगैरह जो होती है, यहाँ पर भी ये जो गाड़ी बनाते हैं वो गाड़ी के बहुत माइन्यूट डिटेल्स उनको कंसिडर करने पड़ते हैं, वहां पर भी इस प्रकार से प्रिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ध्यान में आया क्या प्रिसीजन मतलब क्या? देखो, इफ एक पर्सन की हाइट है 1.67 मीटर, कोई इसे 1.7 मीटर कह सकता है, कोई इसे 1.5 मीटर कह सकता है, कोई इसे 1 इस प्रकार से कह सकता है। अब देखो, इसमें से दीज आर मोर प्रिसाइज एंड दीज आर लेस प्रिसाइज। ये रीडिंग है, ये प्रिसाइज तो है बट ट्रू वैल्यू के पास में है क्या? बट लेस एक्यूरेट। तो अगर इन दोनों रीडिंग को कंपेयर किया, 1.502 एंड 1.68, तो आप कहोगे दिस इज मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट, व्हाइल दिस रीडिंग इज लेस प्रिसाइज बट मोर एक्यूरेट। ऑब्वियसली लेस मोर ये वर्ड्स कंपेरेटिव वर्ड्स है, एक के कंपेरेटिवली दूसरा
ऐसा हम यहाँ पर मेजर करते हैं, क्या ठीक है क्या? इज इट करेक्ट? ध्यान में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? हाँ या ना? क्यों इसे लेस प्रिसाइज क्यों कहा? क्योंकि यहां पर डिटेलनेस कम है, ठीक है, यहाँ पर रिजोल्यूशन कम है, डेसिमल के बाद दो ही प्लेसेस है, वही यहाँ पर डेसिमल के बाद तीन प्लेसेस है, सो 1.502 इज मोर प्रिसाइज, बट हमारी ट्रू वैल्यू 1.67, वहां से ये वैल्यू काफी दूर है, वहां से ये वैल्यू काफी दूर है, सो आप कहोगे 1.502 is less. सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर. ओके जस्ट एक मिनट. अब आ रही है वो सर. ओके हाँ सो देखो यहां पर हम कहेंगे 1.502 इज डिटेल तो है इसलिए प्रिसाइज तो कह रहे हैं पर ट्रू वैल्यू से दूर है, ठीक है. 1.68 ये ट्रू वैल्यू के पास में है इसलिए इसे एक्यूरेट कह रहे हैं पर डिटेलनेस कम है, दैट्स व्हाई दिस इज लेस प्रिसाइज, ठीक है. अब देखो इनके बीच का डिफरेंस, इनको हम एरर कहते हैं. सो इस केस में हमारा एरर रहेगा 0.01 का. दिस विल बी एरर इन दिस मेजरमेंट. ट्रू वैल्यू से हम 0.01 इतने दूर है, ठीक है. वैसे ही यहां का जो डिफरेंस है दैट विल बी एरर इन दिस मेजरमेंट. ठीक है ये एरर रहेगा. क्या आ रही क्या बातें ध्यान में सर? हाँ बोलो. सर हर बार जब मोर प्रिसाइज रहेगा तब एक्यूरेसी लेस रहेंगी, ऐसा ही चाहिए ना? ऐसा कौन करेंगे, ये तो डिपेंड करता है मेजरमेंट के लिए आपने क्या यूज किया है. असा है का जो जास्त खातो तो माणूस नेहमीच जाडा जुडा असतो, सिंगल हट्टी भी चार रोटी पांच रोटी खा लेगा और कोई हट्टा कट्टा आदमी भी नखरे करणारा असेल तर दोन पोळ्या खाईल, कोई लॉजिक नहीं है इसके बीच में. प्रिसीजन डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट कैसा है, एक्यूरेसी डिपेंड करती है वो मेजरमेंट करने वाले के स्किल के ऊपर. तो एक कानात हेडफोन घातले आहे लक्ष भलतीकडे आणि मेजरमेंट करतोय का, या वो क्या कर रहा है, कितना एक्यूरेटी कितने केयरफुली कर रहा है, ठीक है. प्रैक्टिस कितनी है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, इट डिपेंड्स, ठीक है. यस सर. ओके सो अब देखो एक्यूरेसी ध्यान में आ गई, प्रिसीजन ध्यान में आ गया, एरर क्या होता है ये भी ध्यान में आ गया, ठीक है. दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एज एरर. इस एरर के कुछ टाइप है, सो इस एरर का हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. देयर आर सम एरर विच आर कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर. And there are some error which are random error. अब systematic error मतलब कैसे? तो ये सभी वो error है जो एक ही direction में रहेंगे, मतलब either measurement हमेशा बड़ा रहेगा या हमेशा छोटा रहेगा. For example,
मतलब मेजरमेंट लार्जर रहेगा, और निगेटिव मतलब मेजरमेंट स्मॉलर रहेगा। इसका एग्जाम्पल है एक, सर दीज एरर्स के आगे क्या लिखा है? एंड, TEND, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब देखो ये हमारे साथ बहुत बहुत बार हुआ है। क्या हुआ, हमारी 1 फीट लंबी 30 सेंटीमीटर की स्केल रहती है, और वो कहीं पर अटकने के कारण उसके सामने का 1-2 सेंटीमीटर टूट जाता है, होता है ऐसा। और अगर ये टूट गया तो देखो, मैं ये मेरी स्केल टूट गई, यहां से ऐसा थोड़ा सा इसका पार्ट टूट गया, अब ये स्केल जो है इसका रीडिंग शुरू होने वाला है 1 से। ये पहला पॉइंट जो 0 होना चाहिए था वो अभी 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सो मैं इस स्केल, इस लाइन की लेंथ मेजर कर रहा हूं, कितनी आएगी, कितनी आ गई लेंथ, ये लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर। क्या ये एक्चुअली 3 सेंटीमीटर है क्या? नो सर। नो सर। फिर 2। सर ये तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर मैंने इस स्केल से एक लाइन मेजर की और मेरा रीडिंग आया है 4 सेंटीमीटर, सॉरी मेरा रीडिंग आया है 5 सेंटीमीटर, एक्चुअल वैल्यूज क्या है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ट्रू वैल्यू पहले केस में है 2 सेंटीमीटर, दूसरे केस में है 4 सेंटीमीटर। सो देखो, योर रीडिंग विल ऑलवेज बी ग्रेटर बाय नंबर 1, वैल्यू 1। आपका मैग्नीट्यूड ये हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा। So, ये एक ही, ये हमेशा कोई भी लाइन आप मेजर करो इस स्केल से, आपका जो रीडिंग आने वाला है दैट विल बी ग्रेटर बाय 1 कंपेयर टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के कंपैरेटिवली ये आपका रीडिंग 1 से ज्यादा रहने वाला है। सो मतलब ये हमेशा ऐसा रहेगा, पॉजिटिव। सच इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर सिस्टमैटिक एरर। ये हमेशा ज्यादा है तो ज्यादा ही रहने वाले, ऐसा नहीं है कि कभी कम कभी ज्यादा, ये ऑलवेज ज्यादा ही रहने वाले हैं। सिमिलरली वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप देखते हो, ये इस प्रकार की कोई एक मशीन रहती है जिसके ऊपर खड़ा रहने के बाद आपका वजन भी बताता है, साथ में भविष्य भी बताता है, ठीक है। अब क्या, इसका वेल्डिंग अगर खराब हो गया और वो नए साहब आने वाले हैं, वो स्टेशन की विजिट करने वाले हैं, तो स्टेशन मास्टर ने या स्टेशन मैनेजर ने कहा कि अरे यार इसे ठीक कर दो, ये बाजू के गली से किसी वेल्डर को लाते हैं और इसको वेल्ड करके ठीक कर देते हैं। अब जब वेल्ड किया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड हो गया ना मटेरियल। हाँ सर, यहाँ पर तो कुछ मटेरियल ऐड हो गया। अब मटेरियल ऐड हो गया तो पहले जो 0 था उसमें ये 200 ग्राम ऐड हो गया, 500 ग्राम ऐड हो गया, तो अब ये मशीन हमेशा जो वजन बताने वाली है वो 200 ग्राम 500 ग्राम से ज्यादा ही रहने वाला है, क्या सही है? यस सर। तो अगेन ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ये हमेशा एक टाइप का रहेगा। या ये टूट गया है, एक आधा पार्ट इसका टूट गया तो हमेशा वजन कम रहने वाला है, एक एंगल की पट्टी टूट गई। सो अब अगर इसके ऊपर कोई खड़ा रहेगा तो उसका वजन हमेशा कम दिखाने वाला है।
सो यह एरर हमेशा नेगेटिव रहेगा, एक्चुअल वैल्यू से वजन आपका कम आने वाला है, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर आर सिस्टमैटिक एरर, वो एक ही टाइप के रहेंगे, लेंथ हमेशा ज्यादा ज्यादा ज्यादा, वेट हमेशा ज्यादा ज्यादा ज्यादा, या वेट हमेशा कम कम कम, इस प्रकार की रहेंगे। क्या सही है क्या? दूसरा यहां पर आ जाएगा, इनपरफेक्शन इन मेजरमेंट टेक्निक। सो देखो, विंटर के दिनों में बाहर का टेम्परेचर कम रहता है या ज्यादा रहता है? कम रहता है। विंटर के दिनों में बाहर का टेम्परेचर कम रहता है। सो अब होगा क्या, मैं डॉक्टर बन गया, पर मैं डॉक्टर कैसे बना, कॉपी करके, कि छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व नहीं किया। सो डॉक्टर के पास जाने के बाद वो जब थर्मामीटर लगाते हैं, उसके बाद वो कुछ समय टाइम पास करते हैं क्या? थर्मामीटर लगाने के बाद कुछ समय टाइम पास करना होता है? नहीं सर, वो एक्यूरेट वैल्यू आने चाहिए इसीलिए करते, मतलब रुकते, टाइम पास तो करते हैं ना, मतलब। यस सर, थर्मामीटर लगाने के बाद कुछ टाइम पास होने देते है ना। So, आपको हड़बड़ी है क्योंकि बाहर पेशेंट की लाइन लगानी है, हर पेशेंट आ गया तो आपके गले में 200 रुपए जाने वाले हैं, तो आप ये समय नहीं दे रहे हो। तो इसके कारण क्या होगा, इस डॉक्टर के पास में जो टेम्परेचर मेजर किया जाएगा, क्या वो सही रहने वाला है क्या? वो बॉडी बाहर का टेम्परेचर कम है तो थर्मामीटर हमेशा टेम्परेचर कम ही दिखाने वाला है, या इसके एग्जैक्टली अपोजिट, अगर समर चालू है और ऑन एन एवरेज अगर आप दोपहर में जा रहे हो तो बाहर का टेम्परेचर इज अबाउ 40 डिग्री सेल्सियस, तो थर्मामीटर पहले ही 40 पर है, वो बॉडी के साथ 37 पर ना आते हुए आपको बुखार ही दिखाएगा, क्योंकि आपने उसे बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में बॉडी के टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर मेजर करने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय नहीं दिया। या अब आपके साथ तो ये रेयर है, बट केमिस्ट्री के लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब, ब्यूरेट एंड पीपेट, ऐसी अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, अब इसमें एक मार्क होता है जिस लेवल तक आपको मेजर करना होता है। सो दो ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है तो एक कंडीशन ऐसे रहेगी, ये पानी इस लेवल तक आया है, या शायद से ये कंडीशन ऐसी हो सकती है, ये मार्क है और आपकी वाटर लेवल ये इस प्रकार से, कौन सा सही है? ये मार्क है ब्लैक वाला, ये आपकी फ्लूइड की लेवल है, ये ऊपर का सरफेस इस प्रकार से कर्व दिखता है, तो कौन सा कंसीडर करना चाहिए? बी बी तो ध्यान में रखना, जब कभी भी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड रहता है तब ए वाला पार्ट कंसीडर करना, इसका लोअर मेनिस्कस लोअर लेवल शुड मैच विद द दिस पॉइंट। अब आपको ये पता ही नहीं है, आप हमेशा बी वाला कंसीडर कर रहे हो, तो आप हमेशा जितनी जितना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड लेना चाहिए उतना ले रहे हो या कम ले रहे हो?
कम ले रहे हो। सो देखो ये एक ही टाइप का एरर रहेगा, आपने एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से करना मैनुअल ठीक से नहीं पढ़ा, आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके हर एक्सपेरिमेंट में ये 1 ml आधा ml उतना सॉल्यूशन कम जाने वाला है। सो दिस टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर। क्या सही है? तीसरा यहां पर चला जाता है जिसे हम कहेंगे पर्सनल एरर। एक साल हो गया सर दर्द कर रहा है, चश्मा लगाए पर डॉक्टर के पास गए नहीं और चश्मा नंबर चेक किया नहीं, आप रीडिंग ले रहे हो इस प्रकार के सॉल्यूशन के बारीक बारीक, क्या एरर आने वाला है क्या? Yes, sir. बिल्कुल आने वाला है। या आपकी हाइट कम है और ये जो टेबल है ये बहुत ऊपर है, ये आपका सेटअप इस प्रकार से है और ये अपने छोटू की हाइट कम है तो छोटू यहां तक ही है, या छोटू के पैर दुख रहे हैं, छोटू स्टूल पे बैठा है, खड़े रहने के बाद लेवल ठीक से मैच होती है नहीं यार, ये एकदम अतिशारण है ना, तो ये नीचे नीचे से ही देखेगा। अब देखो जब ये यहां से देखेगा तो जो रीडिंग आएगा वो ऑब्वियसली गलत आने वाला है। हाँ बट ये सभी रीडिंग यहाँ पर स्टूल पर बैठकर ही हाथ में मोबाइल रखकर ही लेने वाला है तो इसके सभी रीडिंग में एक ही टाइप का एरर आने वाला है। सच एरर्स अकाउंट्स इनटू पर्सनल एरर। हमेशा जब कोई ऐसी वैल्यू मेजर करनी होती है तो यूअर आइट साइट शुड बी अलोंग द दिस मार्क, आपकी आंखें इस लेवल पर होनी चाहिए, नहीं तो जो एरर आता है दैट एरर इज कॉल्ड एज पैरेलैक्स एरर। इसको सबसे बढ़िया अगर आपको समझना है तो आपका रिस्ट वॉच में या वो वॉल क्लॉक जो होता है वहां पर सामने से टाइम देखने की कोशिश करो, लेफ्ट हैंड साइड से देखने की कोशिश करो तो ये शायद से आपको 12 और 1 के बीच में दिखाई देगा, इधर से देखने की कोशिश करो आपको ये 11 और 12 के बीच में दिखाई देगा और ऊपर से देखने की कोशिश करो आपको ये 12 पर दिखाई देगा। साइंटिफिक तरीका है कि आपको इसको ऊपर से पैरेलली देखना है, ये सरफेस को पैरेलली देखना है, आपका इसके साथ कुछ एंगल नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो एरर आता है दैट एरर इज कॉल्ड एज पैरेलैक्स एरर। क्या सही है क्या? तो ये सभी एरर्स ये एक ही टाइप के रहेंगे और इनको कहेंगे हम सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, क्या हाँ ध्यान में आ गया सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं? यस सर। ओके अगर ये ध्यान में आ गया तो थोड़ा और आगे जाते हैं। दूसरे एरर से रैंडम एरर। अब रैंडम एरर ये है जो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, दीज एरर्स ऑकर ड्यू टू इरेग्युलरिटी। Occur irregularly and reasons reasons are generally not controllable। ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल एंड कैन बी
पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, ठीक है। सो इस कैटेगरी का पहला एरर है पर्सनल एरर। सर पर्सनल एरर इधर भी है, पर्सनल एरर इधर भी है। सो यहाँ का पर्सनल एरर हमने बताया कि कंटिन्यूअसली स्टूल पर लेकर ही बैठकर ही वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, या जैसे कहा उसके आंखों में प्रॉब्लम है। यहाँ का पर्सनल एरर क्या है, जैसे आपको स्टेडी स्टेट आने के लिए बॉडी का टेम्परेचर और थर्मामीटर जो टेम्परेचर बता रहा है उसके लिए स्टेडी स्टेट आने के लिए 2 मिनट रुकना है। कभी आप मोबाइल देखते बैठे तो 3 मिनट 5 मिनट रुक गए, कभी जल्दबाजी है मोबाइल पर कुछ अच्छा ओपन नहीं हो रहा है, नेटवर्क लैग कर रहा है, 1 मिनट में ही रीडिंग ले लिया। कभी मूड है तो ज्यादा समय दिया, एक आधे बार मूड नहीं है तो कम समय दिया। सो सच टाइप ऑफ एरर्स ये रैंडम है। अब आपका मूड कब अच्छा रहेगा मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, ठीक है। सच एरर्स विल बी रैंडम एरर। दूसरा शायद से ऐसा हो सकता है आप कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हो विच ऑपरेट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी और एमएसईबी से जो सप्लाई आ रहा है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है, क्या आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर आएगा? क्या आएगा, क्या बताओ? यस सर आएगा, ठीक है। दूसरा, एखादा एक्सपेरिमेंट विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, आप ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपको ध्यान में आया कि अरे भैया वो रेजिस्टेंस जो है ना वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। आपका एक एक्सपेरिमेंट किया आपने, तब एसी चालू था, दूसरे दिन लाइट ही नहीं है, इन्वर्टर पर आप काम कर रहे हो पर इन्वर्टर पर एसी चलता नहीं है, बाहर का टेम्परेचर 37 है, रूम का भी टेम्परेचर 37 हो गया, कल का एक्सपेरिमेंट हुआ 20 डिग्री सेल्सियस पर, आज का हुआ 37 पर, क्या फ्लक्चुएशन आएगा क्या? यस सर। कब लाइट रहेगी कब लाइट नहीं रहेगी क्या ये कंट्रोलेबल है? बाहर का टेम्परेचर कितना रहेगा ये आपके हाथ में है? नो सर नहीं है। नो सर, आप कोई साउंड के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपका एक्सपेरिमेंट साउंड के रिलेटेड चालू है और आपको ध्यान में आया कि यार मैं जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट बाहर हाईवे पर ट्रक जाता है या ट्रेन जाती है तो उसके कारण जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन भी मेरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आ रहे हैं और उसके कारण जो फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हैं दैट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। अब इसके ऊपर आपका कंट्रोल है क्या कब कौन सी ट्रेन पास होगी और वो स्टेशन मास्टर या वो सिग्नल कब मिलेगा ट्रेन को? नहीं सर। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन का तो पता है, क्या पैसेंजर ट्रेन के बारे में गुड्स मालगाड़ी के बारे में आपके बारे में आपको पता रहेगा क्या? नहीं। नो सर, ये चीजें सब मेरे कंट्रोल के बाहर है। एक्सपेरिमेंट के लिए कोई ट्रेन को नहीं रोक सकता है, फ्लाईओवर से जब ट्रक जाता है आप खड़े रहो फ्लाईओवर पर, यू विल एक्सपीरियंस वाइब्रेशंस। अगर नीचे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वाइब्रेशन के कारण चीजें अगर बदल जाती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो दीज ऑल एरर्स अकाउंट्स इनटू रैंडम एरर जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कर पाएंगे क्या कंट्रोल, बोलो कर पाएंगे क्या? नो सर। नो सर, नहीं कर पाएंगे हम इनको कंट्रोल, ठीक है, ये हमारे रेंज के बाहर है। क्लियर? सो दीज ऑल आर रैंडम एरर। अब ये कभी ज्यादा हो सकते हैं कभी कम हो सकते हैं। सो इन एरर के लिए एवरेज लेने से आपका काम हो जाएगा।
पांच रीडिंग ज्यादा आए हैं ट्रू वैल्यू से, पांच रीडिंग कम आए हैं एवरेज लेते हैं, तो हम ट्रू वैल्यू के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसके सिवा और एक अलग कैटेगरी का एरर है जिसको कहते हैं डिस्काउंट एरर। हाँ बोलो सर। ये फ्लक्चुएशन इन सप्लाई वाला एक बार वापस बताना। फ्लक्चुएशन मतलब जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के बारे में बताया, सप्लाई में फ्लक्चुएशन आ गया, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ गया, सो बेसिकली सराउंडिंग की कंडीशन चेंज हो गई, तो वो अपने हाथ में है क्या? नहीं है। जैसे वो जैसे ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट के बारे में कहा ना, ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा, ह्यूमिडिटी चेंज होने के कारण हमारे इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर बदल जाता है, सो इनके कारण एरर्स आते हैं। अब इसके साथ और एक एरर है विच इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, अब देखो सर एरर था थर्ड टाइप का, थर्ड टाइप के जगह अपन इसको और एक से समझ लेंगे क्योंकि ये हमारे काम में आने वाला है। ठीक है, ये रैंडम एरर की कैटेगरी में ही आएगा पर इसको समझना हमारे लिए जरूरी है। सो जैसे आपके पास सर तुमचा आवाज को अटकत है, आपके पास अगर छोटी स्केल है, ठीक है, वन टू थ्री फोर अप टू 15 यहाँ पर रहता है, जीरो से शुरू हो गई। ठीक है, अब ये जीरो टू वन ये कितने डिवीजन में डिवाइड करते हैं हम? 10 यहाँ पर भी 10 डिवीजन होते हैं। सो देखो विद दिस इंस्ट्रूमेंट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट यू कैन मेजर? So smallest measurement centimeter, भैया ये 15 सेंटीमीटर की स्केल है, this distance is 1 centimeter meter, smallest कह रहा हूँ मैं, largest नहीं कह रहा हूँ, between 0 to 1 देखो millimeter 0 to 1 centimeter है, 1 centimeter के 10 part आपने कर दिए, so what you can measure is 1 mm millimeter, so this is called as least count of this instrument। अब इसका मतलब क्या, इस instrument से आप 10.1 centimeter measure कर सकते हो, 5.7 centimeter measure कर सकते हो। 10.1 के बाद next reading क्या होगा आपका? 10.2 और इसके पहले वाला रीडिंग क्या होगा? 10.0 बट एकाधी वैल्यू अगर 10.04 है तो, या एकाधी वैल्यू 10.14 है तो, सर ये तो हमें पता ही नहीं क्योंकि इसके आगे हमें पता ही नहीं, हमारे डिवीजन यहाँ पर आने वाला नहीं है, इसको जूम करके देखेंगे तो ये ऐसा रहेगा ना, जीरो और वन और इसके एक दो तीन चार पांच छह ठीक है, एक कोई लेंथ इतनी है, अब ये कितनी रहेगी? ना ये 0.2 है, ये 0.1 है, ना ये 0.2 है, ये तो इसके बीच में है कुछ तो,
अब ये आपके ऊपर है, आप इसे 0.1 कह सकते हो, 0.2 कह सकते हो. सो बेसिकली दिस कैन आइदर बी 0.1 एंड 0.2, बट ये 0.1 भी नहीं है, 0.2 भी नहीं है. सो यहाँ पर एरर रहेगा. एंड सच काइंड ऑफ एरर विच आर बिकॉज ऑफ एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर सर्टन, या इनएबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर बिलो सर्टन वैल्यू इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट एरर. सिंपली हम लीस्ट काउंट एरर ये उतना मिनिमम एरर कंसिडर करते हैं जितना स्मॉलेस्ट डिविजन के इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा. सो जब आप 10.1 कह रहे हो तब दैट रीडिंग कैन बी 10.06 या 10.14 या 10.5 या 10.15. सो बेसिकली यहाँ पर 0.1 का एरर रह सकता है. दैट रीडिंग में भी 10.0, दैट रीडिंग में भी 10.1 और दैट रीडिंग में भी 10.2. आपने उसे 10.1 कहा है, इसका मतलब यहाँ पर 0.1 की अनसर्टेनिटी रह सकती है. क्यों? क्योंकि 0.1 सेंटीमीटर से कम, दैट इज 1 सेंटीमीटर से छोटा, ये डिवाइस मेजर ही नहीं कर सकता है, डिवाइस की एबिलिटी ही नहीं है. दिस डिवाइस इज नॉट दैट प्रिसाइज. और ये एरर आ जाएगा लीस्ट काउंट एरर. अब इसे रैंडम में क्यों कहा? क्योंकि ये वैल्यू कभी कम भी हो सकती है, ये वैल्यू कभी ज्यादा भी हो सकती है. ठीक है, ये वैल्यू कभी कम भी हो सकती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है. दिस इज कॉल्ड एज रैंडम एरर. दोनों साइड में होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है. क्या आया क्या ध्यान में? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये डिवाइस 10.0 के बाद 10.1 ही मेजर करता है, इसके बीच वाली वैल्यू ये मेजर नहीं कर सकता. इसलिए हम इसका जो लीस्ट काउंट है 0.1, इतना इसका एरर लेते हैं. व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट बाय द डिवाइस. सबसे स्मॉलेस्ट कितना मेजरमेंट ये डिवाइस कर सकता है. क्या क्लियर है? क्या एक एरर शायद से कभी कभी हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जीरो एरर. जीरो एरर मतलब ये आप दुकानदार के पास गए और आपने मांगी 1 किलो शक्कर. दुकानदार ने ये कंटेनर लिया ठीक है, अभी उसने जीरो मार करके रखा, फिर इस कंटेनर में शक्कर डालकर इसके ऊपर रख दिया. अभी 1 किलो दिख रहा है, आपको शक्कर दे दी. घर जाकर मम्मी कहती है कि अरे ये तो 1 किलो है नहीं, ये 800 ग्राम ही है. क्या मम्मी का कहना सही है? क्या पहले की कंडीशन ये थी? Yes, sir. दुकानदार ने इसमें शक्कर डाली, फिर इसके ऊपर रखा, आपको दिखा 1 किलो, आप इसे लेकर आए, उसके पैसे दे दिए. घर में मम्मी कह रही है ये शक्कर 1 किलो है ही नहीं. क्या मम्मी का कहना सही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. क्यों हुआ? सर कंटेनर का मतलब बेटा है, आपके 1 किलो में ये कंटेनर का बर्तन का भी वेट है. ठीक है, अब ये सिस्टमैटिक है क्या? हाँ सर, इसने कुछ भी मेजर किया तो उसमें कंटेनर का वेट आने वाला है. सो दिस इज सिस्टमैटिक एरर एंड दिस इज ड्यू टू इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट टेक्निक. मेजरमेंट टेक्निक उसने गलत किया. पहले कंटेनर रखना चाहिए, फिर जीरो करना चाहिए, फिर कंटेनर उठाकर उसमें शक्कर डालनी चाहिए. ठीक है, सो ऐसे सब अलग अलग एरर हमारे डे इन डे आउट लाइफ में आते हैं, इसको जीरो एरर भी कहते हैं. ये अगर डॉक्टर के पास आपके
वो इस प्रकार से वेइंग बैलेंस है, तो यहाँ पर भी आ सकता है कि ये जो मार्क होता है ना, ये ठीक से जीरो पर नहीं रहेगा तो आपका वजन कम ज्यादा मेजर होने वाला है। डिजिटल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिजिटल की गड़बड़ अलग प्रकार की होती है। यहाँ पर अगर ये गोल गोल घूमने वाली अंदर टॉर्शनल स्प्रिंग वाला अगर वेइंग बैलेंस है, ये जीरो अगर ठीक से मार्क नहीं है तो ये एरर आने वाला है। क्या आई क्या बातें ध्यान में एरर के बारे में?